मैं सूर्य और आप देख रहे हैं सिनेमा क्रेजीज। वेलकम, सभी का स्वागत करता हूं यहां पर इस चैनल पर, जहां पर साउथ सिनेमा से जुड़ी हुई मैं बात करूंगा, पब्लिक रिव्यूज लूंगा और जो भी होगी अपडेट्स दूंगा, और फिल्में देखूंगा तो रिव्यूज जिसे मैंने कहा तो जोर दूंगा। यहां पर मैंने देख ली है फिल्म कैथी। कमाल की फिल्म है दोस्तों, मुझे फिल्म इतनी पसंद आई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये तमिल फिल्म आप सभी को देखनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म में हर वो चीज है जो एक फिल्म में होनी चाहिए, या एक सिनेमा लवर कोई फिल्मों को पसंद करता है उस तरह की फिल्म है। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि फिल्म में क्या खास है, और आपने अगर नहीं देखी है तो आपको क्यों देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार कास्ट की। तीन एक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा इस फिल्म में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विजय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे जो एक्टर है नारायण, जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे धीना जो है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो कैसा बोलते ना, एक ट्रक का ड्राइवर के साथ एक छोटा सा और बंदा रहता है जो कपड़े फड़के मारता, क्या बोलते हैं, कंपाउंडर टाइप, ठीक है। और यहाँ पे कार्थी यानी कि हमारे मेन हीरो दल्ली, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्टेबल है जॉर्ज मॉरियन करके एक एक्टर है, वो कॉन्स्टेबल नेपोलियन का रोल प्ले कर रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में, बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। फिल्म स्टार्ट होती है एक ऑर्फेनेज होम में, छोटी सी बच्ची है लगभग 10 साल की, वो इंतजार कर रही है अपने पिता का कि वो कब आके मिलेंगे, और पता चलता है उसे बताया जाता है कि कल ही आके उसके पिताजी मिलने वाले हैं। शाम हो जाती है, फ्लैशबैक सीधा आता है यहाँ पर यानी कि पुलिस ऑफिसर्स के, है ना, यहाँ पर कि पुलिस ऑफिसर्स की टीम है पूरी पार्टी मना रही, कोई चीज को एंजॉय कर रहे हैं। वो वहीं एक और चीज बताया जाता है कि पुलिस टीम ने एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा है, और करीबन उसकी कीमत 800-900 करोड़ के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। अब जिसका वो ड्रग कैर्टेल पकड़ा जाता है, वो गुंडे का जो ग्रुप होता है गुंडों का, वो चाहते हैं कि ये जो ड्रग कार्टेल है वो किसी भी तरह से पुलिस के चंगुल से हम लेकर आए, और साथ ही पूरा जो उस एरिया की पुलिस है, ये पुलिस का जो ऑफिस है उस शहर की, उसको पूरा का पूरा सफाया कर दे। और इसमें पुलिस विभाग का कोई एक बड़ा बंदा भी मिला रहता है। अब सीन ये है कि ड्रग कार्टेल पकड़ा गया है, तो सीनियर ऑफिसर का फोन आता है गुंडे को कि तुम्हारे जो है ना 800 किलो के जो ड्रग्स पकड़े गए, 800 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, और 800 किलो के ड्रग्स पकड़े गए हैं, उसमें से मुझे अगर आप 20 किलो दे दोगे कुछ इस तरह से, बाकी तुम्हें मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा, अगर तुम्हारा बाकी जो ड्रग्स है वो तुम वापस ले जाओ, बस मुझे वहां से 20 किलो के आसपास का ड्रग्स दे दो। तो गुंडा बोलता है मैं क्यों दू, बोले ठीक है तुम्हारा नहीं मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे गुंडा रेडी हो जाए, ठीक है तुम 20 मांगो 30 किलो मांगो, मैं आपको दे दूंगा मैं ड्रग का जो भी है, बाकी मुझे मेरा पूरा ट्रक चाहिए। तो वो प्लान बनाता है दोनों मिलकर, बड़े कोई पुलिस ऑफिसर रहेगा कोई तो एक बंदा रहता है, वो प्लान बनाता है गुंडों के साथ मिलकर कि अपनी ही पुलिस टीम की माफेन कर दे, यानी सफाई कर दे, और साथ में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाए, वहां पे गुंडे का भी फायदा है, राइट। तो यहाँ पर पुलिस विभाग के कुछ लोग मिले रहते हैं, और उस उन सबको क्या करते हैं, जो खाने का जो पार्टी वार्टी होता है ना, कुछ तो मिला देते हैं, कुछ ऐसा जहर वगैरह कुछ तो पुलिस विभाग का ही कोई बंदा मिला देता है ना, जो मिला हुआ रहता है गुंडों से, और सब पुलिस वाले एकदम बेहोश हो जाते खाकर, यानी कि वो एक तरह का ड्रग रहता है, और वो ड्रग इस तरह का रहता है कि अगर वो 5 घंटे में वो जो पुलिस ऑफिसर जो करीबन दर्जनों भर थे, दर्जन मतलब कम से कम 25-30 होंगे, उन सबको अगर 5 घंटे के अंदर पहुंचाया नहीं गया अस्पताल तो उन सबकी मौत हो जाएगी। और यहां पर अब वो ट्रक को हथियाना रहता गुंडों को, और पुलिस ऑफिसर में एक ही पुलिस ऑफिसर रहता है जो वहां पर ठीक ठाक रहता है, और उनके भी हाथ में लगा रहता है, यानी वो पुलिस ऑफिसर रहते हैं हमारे नरेन जी यानी कि इंस्पेक्टर बिजॉय। तो यहाँ पर बिजॉय को दिखता है कि एक कैदी है, और वो उसका 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 पूरी सजा खत्म हो चुकी है, उसका आखिरी दिन था, और उसे जाने का है ना, उसको कल छोड़ देंगे, इस तरह से कुछ रहता है। तो यहाँ पर बिजॉय देखता है कि एकदम सिचुएशन टेंस है, उनको सब पुलिस इंस्पेक्टर की जान भी बचानी है, किसे, हीरो को, नारायण को, याद है, यानी इंस्पेक्टर बिजॉय को, और साथ ही उसको ये भी पता है कि जान भी बचानी है, और ड्रग का जो कंसाइनमेंट हमारे पास है ट्रक में, उससे गुंडों तक हमें देना भी नहीं, मतलब गुंडे तक वो नहीं हाथ लगना चाहिए किसी भी तरह से,
उनको टिप लगानी चाहिए कि हमारे पास है तो हमारा खात्मा हो जाएगा। अब किस तरह से उन्हें पता चलता है विजय को कि करथी जिसको आज आखिरी दिन है, जो कल अपनी बच्ची से जो ऑर्फनेज में बच्ची है उससे मिलने वाला है, उसे रिक्वेस्ट करता है, इल्तिजा करता है कि मेरी ट्रक को यहां यहां तक पहुंचा दे और ये जो मेरे पुलिस इंस्पेक्टर जो अभी बेहोश पड़े इनकी जान बचानी है। तो इस तरह से स्टार्ट होता है किस्सा और ट्रक जो स्टार्ट होती है रात को, उसके बाद सुबह तक का जो पूरी रात की शूटिंग है, पूरी नाइट की शूटिंग है, वो किस तरह से क्या क्या होता है वो पूरा फिल्म में दिखाया गया। भले ही मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा स्टोरी, लेकिन इसके बाद जो हंगामे होते हैं मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर एडिटर का नाम नहीं दिया गया विकिपीडिया में, लेकिन मैं एडिटर की तारीफ करूंगा। जब गुंडे लोगों को पता चल जाता है कि है ना ट्रक कहाँ कहाँ पहुंच रही है, तो किस तरह से वो ट्रक पर अटैक करते हैं, किस तरह से यहाँ पे करथी जो दिल्ली का रोल निभा दिल्ली का इस फिल्म में, वो किस तरह से हेल्प करता है पुलिस की बचाने में, पुलिस वालों को, और वो ट्रक को कार्टल जो है वो लोग गुंडों से बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रक में एक पुलिस ऑफिसर का बंदा भी इन्वॉल्व रहता है, वो बिजनेस जानबूझ के ऐसा पड़ा रहता है, वही सब लोकेशन गुंडों को बताता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीन क्या है, एक सबसे बढ़िया सीन मुझे पता है क्या लगा, वो पहली बार अपनी बच्ची की आवाज सुनता है कार्थी यानी कि दिल्ली, और उसी दौरान जो गुंडे लोगों को पता चल जा रहा है ट्रक इस जंगल से जा रहा है, तो वो जो बांस की जो लकड़ी होती है उसमें किस तरह से बांध के वो ऐसे बांस की लकड़ी को आप ऐसा करो तो स्टैचू के वापस जाता है, तो इस तरह से कुछ फंसा के एकदम बनाया था ताकि वो गाड़ी वहां से गुजरे तो उसके कांच टूट जाए आगे के, तो जो स्लो मोशन में जब कांच टूटना है जो फोन पे बात करो तो स्लो मोशन में जो दिखाया है ना एडिटर ने, मतलब या ताली बजानी पड़ेगी। उसके अलावा बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिनेमेटोग्राफी की गई, लॉन्ग शॉट्स लिए गए जंगल से बड़े बड़े तरह से, और एक सीन मुझे सबसे अच्छा लगा, आपने शायद ध्यान दिया होगा इस फिल्म में सीन, मतलब वो पता नहीं कैसे फिल्माया गया, वो मुझे जरा भी नहीं पता, बट वो बहुत इंटेलिजेंटली फिल्माया गया है। पुलिस ऑफिसर की गाड़ी, वो जो ट्रक है, और ट्रक के पीछे गुंडों की एक दो गाड़ी है पीछे और आगे एक गाड़ी है, तो कैमरा सबसे पीछे वाली गाड़ी से अंदर से गाड़ी के अंदर क्या क्या होता है ऐसे दिखाते दिखाते आता है, फिर ट्रक के अंदर क्या क्या होता है, फिर ट्रक के आगे वाली गाड़ी में क्या क्या गुंडे लोग, वो एकदम स्लो ऐसे अंदर से ऐसा गाड़ी के अंदर क्या क्या, उस तरह से ऐसा कैमरा का सीन भी पता नहीं कैसा फिल्म आ गया, बट वो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा इस पूरी फिल्म में। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ज्यादा जो एक्शन सीन्स है उसमें स्टार्टिंग में जिस जब गुंडे लोग फाइट करते हैं मारते हैं है ना, मतलब गाड़ी को तबाह करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स है और बहुत स्लो मोशन उसे दिखाया गया है। और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कार्थी की, और कार्थी किस तरह से गुंडों से लड़ते हैं तो अपना जो लुंगी पहन के, धमाल है धमाल है, यानी कि दिल खुश हो गया मेरा। फिल्म में हल्का हल्का कहीं कहीं एंटरटेनमेंट वैल्यू आपको लगेगी, एंटरटेनमेंट वैल्यू मतलब थोड़ा सा कॉमेडी, हल्का हल्का बहुत ही हल्का, बाकी जहां तक पूरी एक्शन पूरी सीरियस फिल्म है, और हीरो भी यहाँ पे बहुत ही सीरियस रोल प्ले करे, बिल्कुल हंसते हुए नजर नहीं आते हैं। और फिल्म को एक्शन इतना एक्शन होने के बावजूद फिल्म में एक इमोशनल पहलू है कि 10 साल बाद किस तरह से एक बाप अपनी बच्ची से मिलने वाला है, तो वो इमोशंस को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाया है, यानी कि यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर का नाम है यहाँ पर what is the director's name? I should tell the director's name because उसके बगैर कुछ I think है ना मजा नहीं। एक सेकंड में डायरेक्टर का नाम सामने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टर का नाम है what is the director's name? या कर थी ना, एक सेकंड दोस्तों, जी डायरेक्टर का जो नाम है लोकेश नाम है इस डायरेक्टर का, और लोकेश ने बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म को डायरेक्ट किया है, और इसके पहले उनकी 2017 में एक फिल्म आ चुकी है जिस फिल्म का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस फिल्म का नाम था मना गरम, और अब उनकी थलापति विजय के साथ फिल्म आने वाली है बहुत ही जल्द, जो थलापति की 64th फिल्म होगी। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अच्छी लगी वो बताना चाहूंगा, फिल्म में एक सीन होता है जहां पर जो पुलिस क्या बोलते हैं कमिश्नर पुलिस का जो ऑफिस रहता है, जो हीरो रहता है यहाँ पे इंस्पेक्टर विजय है, वो कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर का जो पूरा ऑफिस है ना पूरा बंद कर दो अंदर से, क्योंकि जो गुंडे हैं उनको पता चल गया है कि माल अभी भी है ना उनके हाथ में नहीं है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन पे आके हमला करने वाले हैं, और पुलिस स्टेशन में वो पुलिस कमिश्नर ऑफ ऑफिस में जो गुंडा है उसका एक भाई भी है छोटा भाई, तो उसे भी छुड़ाना रहता है, तो इसलिए किस तरह से वहां पर पुलिस आती है
पुलिस नहीं, सो पुलिस तो रहती नहीं, गुंडे आते हैं पुलिस स्टेशन को तबाह करने, और गुंडा अपने भाई को निकलवाने आता है। तो उस दौरान क्या होता है, गुंडे का भाई जो अंदर रहता है वो बाहर से मतलब अंदर से बाहर आवाज करता रहता है और अपडेट देता है कि भाई यहां से आओ, ये दीवार तोड़ के आओ, वो दीवार तोड़ के आओ, यहां से आप अंदर जल्दी एंट्री मार सकते हो। तो ऐसे में जो बंदी छोटी सी लड़की, उसको पकड़ा जाता पुलिस ने उसके ग्रुप को पूरा। तो लड़की और वो लोग दोस्त लोग क्या प्लान बनाते हैं, वो जो म्यूजिक है एक डीजे सिस्टम रहता है उसको चालू कर देते ताकि वो जो अंदर जो बंदा है गुंडा उसे उसके भाई तक उसकी आवाज ना पहुंचे। तो वो वहां पे पता क्या सीन होता है, तीन चार गाने तमिल फिल्मों के मस्त बनते हैं, वो भी बजते सुब्रमण्यम की आवाज में अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या फिर यशुदास की आवाज में गाने बज रहे हैं डीजे पे, डीजे मतलब वो प्रॉपर साउंड सिस्टम है, डीजे नहीं, गाने बज रहे हैं और एक्शन हो रहा है, गाने विद एक्शन। वो जो फिल्माया गया है वो सब मेरा बहुत ही फेवरेट पूरा पिक्चर में वो सबसे अच्छा लगा मुझे कि एक्शन हो रहा है उधर साउंड बज रहा है, रात का वक्त है, सन्नाटा है, पुलिस स्टेशन है, मतलब लाइट बंद कर दी गई है, गुंडे उस पे धावा बोल रहे किसी ना किसी तरीके से। तो जो पागलपन, जो सिनिकल, वो जो कमाल का जो एक थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने यहाँ पर इन्फ्यूज किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो पहले ही दिन रहता है जॉर्ज मारियन का, उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो कांस्टेबल रहते हैं, उनका नेपोलियन नाम रहता है, वो किस तरह से दिलेरी दिखाते हैं बाद में पूरी फिल्म में, कमाल लगता है। गुंडा बहुत ज्यादा बोलता है तो वो जाके सीधा एक सिलेंडर जैसे कुछ तो रहता है सर पे उसके मारते हैं, मतलब इनसेन, यानी कि फिल्म को पूरी तरह से पकड़ा था डायरेक्टर ने, अनलेस थोड़ा फिल्म हल्का सा लास्ट के आधे घंटे में, उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा स्लो होता है, लास्ट का जो 10-15 मिनट का एक्शन सीन है उसमें सलमान खान जिस तरह से टाइगर जिंदा है में वो बड़ी मशीन गन लेके आते हैं ना, तो उस तरह से जब हीरो लेके आता है वो भी लुंगी में और जो मारता है, जो बंदूक से मारता है यार, दिल खुश हो जाता है, यानी कि वो कमाल का सीन था, बाप रे बाप बाप। और उसके बाद जब बाप अपनी बच्ची से 10 साल बाद मिलता है, कोई भी इंसान जो देखा, इतना इमोशनल सीन था वो, फुल ऑफ एक्शन, एंजॉय किया मैंने, कमी नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, कमी था भी नहीं। बट हाँ, वो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा सीन जो मुझे थोड़ा सुन लगा, जब हीरो अपनी थोड़ी कहानी बताया था, इट्स ओके, इट्स नो वेरी नॉर्मल, समझनी भी चाहिए ना भाई हीरो आखिर कैसे क्या क्या बना है ना, यानी कर थी। अब यहां पर फिल्म को बहुत अच्छी तरह से एंड किया गया है, यहां पे जो कार्थी रहता है, यानी कि जिसका इस फिल्म में नाम दिल्ली रहता है, एक कोई गुंडा आके बोलता है भाई वो कौन था, वो दिल्ली वो कौन था, उसका कुछ लेना देना नहीं था इस पूरे माजरे से, वो आके हमारी बैंड बजा के चला गया, हम तो उसे जानते भी नहीं थे। तो जो गुंडा रहता है उसका जो भाई चलने बंद रहता है, तो वो कहता है लास्ट में, ऐसे नहीं कि हम उसे जानते नहीं थे या उसका कुछ संबंध नहीं था इस पूरे माजरे से, उसका बहुत बड़ा किस्सा था इस पूरे सिचुएशन से, इस पूरे माजरे से बहुत बड़ा उसका नाता था। अब पता है क्या सीन है, मैं आपको बताता हूं, जो कार्थी रहता है उसकी जब वाइफ के साथ बदतमीजी है ना, गंदी हरकत करते हैं दो गुंडे रहते हैं, वो हम बोलते हैं यहाँ पर कौन कार्थी, एक जब कहानी का अपने फ्लैशबैक में जाके बताता रहता है ना, वो भी कंपाउंडर को बोलता है, ट्रक के कंपाउंडर को। तो मुझे ऐसा लगता है उन दो में से कोई एक जो गुंडा था उसका भाई था, तभी वो इस तरह से बोलता है। यानी कि यहां पर फिल्म फर्स्ट खत्म हुई है, सेकेंड पार्ट इसका आ सकता है, फिल्म को इस तरह से एंड किया है। फिल्म का एंड बड़ी अच्छी तरह से किया गया है, हीरो वापस से सड़क पर अपनी बच्ची के साथ जा रहा है, और साउथ फिल्मों में हमारी जो एक्शंस है उस तरह से एक्शंस थे, कुछ कुछ एक्शंस बहुत ज्यादा थे, जैसे पीछे से जब चाकू मारा जाता है कार्थी को दो बार, उसके बावजूद वो पूरी पूरी फाइट लड़ता, वो थोड़ा सा हल्का सा ओवर लगा मुझे, बट स्टिल इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड रिटन फिल्म, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी जो सिनेमाटोग्राफी की गई है, यानी कैमरा एंगल जो किया गया सत्यन सुदवन का, उनकी तारीफ करना चाहूंगा, म्यूजिक बहुत अच्छा है यहाँ पे सैम सीएस का, बहुत गानों ने इस फिल्म में कुछ नहीं है, लेकिन फिल्म में जो इमोशंस है, जो परफॉर्मेंस, जो एक्शन है वो बहुत अच्छे लगे। एंड आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरी वन टू वॉच दिस फिल्म जस्ट टू लर्न कि हम एक अलग तरह से कुछ नया कैसे दे सकते हैं ऑडियंस को, हिंदी सिनेमा वालों को बहुत जरूरत है ये सीखने की, एटलीस्ट इस फिल्म से कैथी 100 करोड़ के ऊपर इस फिल्म ने कमाया था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, फिल्म अच्छी कर रही है और फिल्म बहुत अच्छी है, एंड कार्तिक के बारे में जितना कहे उतना कम है, परफॉर्मेंस उनका जो 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस फिल्मों का वो दिख रहा है इस पूरी फिल्म में। सो फॉर मी आई लव द मूवी विदाउट ए डाउट, आई विल गिव इट 80%, दैट इज ब्रिलियंट रेटिंग,
एंड आई थिंक वो सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत कम ढिला ढाला मुझे अगर नहीं लगता थोड़ा सा बहुत तो शायद मैं 90% के ऊपर दे देता बट स्टिल 80% इज नॉट बैड एंड द फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स. दिल खुश हो गया मेरा मजा आया देखकर. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा.